जय श्री राम साथियों, मैं पवन मलिक आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टर 20 पॉकेट सी में और प्लॉट नंबर है 83। जैसा कि आप सभी जानते हैं सी डी और ई पॉकेट में आपको 1000 मीटर के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। ये 1000 मीटर का प्लॉट है जिसपे हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। काफ़ी काम इसमें कम्प्लीट हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने काम किया है, कितनी इसकी लेंटर की हाइट है, क्या मटेरियल हमने इसमें यूज किया, कितने रूम है, कितने वॉशरूम है, किचन किस तरीके से है, बाउंड्रियां किस तरीके से, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम ये घर बना रहे हैं। तो आप देखेंगे सामने से, सामने काफी बड़ा इसमें बरामदा है। जैसा कि आप जानते हैं 1000 मीटर के प्लॉट की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो आपको 20 मीटर का फ्रंट और 50 मीटर की गहराई देखने के लिए मिलेगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सामने डिजाइन बनाया जाएगा। अभी पटिया सिल्ली जो है वो लगा दी गई है, पीछे दीवार है, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन तैयार किया जाएगा। अभी इसमें काम चल रहा है, जब बिल्कुल तैयार होगा तब भी वीडियो आपको लेके आएंगे, फिर पेंट वगैरह का काम हो जाएगा, फिर से एक वीडियो आपको दिखाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये 83 नंबर प्लॉट है सी ब्लॉक में। आप 1000 मीटर के सभी पॉकेटों में घूम के देख लेना, इससे बेहतरीन कंप्लीशन जब ये तैयार हो जाएगा आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये सबसे बेहतरीन कंप्लीशन ये देखने के लिए मिलेगा जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। कुछ चीज़ें मैं आपको जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो इसमें दिखाऊंगा। सबसे पहले तो इसकी हाइट जो है वो 12 फीट के आसपास हाइट है, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये सबसे अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी हाइट है। लाइट का पानी का प्रॉपर काम किया गया है, देख सकते हैं आप, पाइप वगैरह सभी डले हुए हैं, वायरिंग वगैरह सभी कंप्लीट होगी जैसे ही प्लास्टर का काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी प्लास्टर का इसमें काम चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन अच्छी क्वालिटी का लेंटर डला है इस तरीके से, और पिलर वगैरह के साथ सभी काम किया गया है इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 5 रूम आपको देखने के लिए मिलेंगे और 2 वॉशरूम और 1 किचन आपको देखने के लिए मिलेगी। आप इधर से एक देख सकते हैं, एक रूम ये हो गया, इसी से अटैच आपको वॉशरूम देखने के लिए मिलेगा। प्लस्तर भी बहुत ही बेहतरीन अच्छी क्वालिटी का किया जा रहा है सफाई के साथ। यहाँ से आप अंदर चलेंगे, आप ये देख सकते हैं लेंटर की भी क्वालिटी आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी। चिनाई जो है वो भी आप देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की चिनाई, बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है। जैसा मैंने वीडियो में बताया है कि जैसा आप हमसे काम करने के लिए कहेंगे कि हमें इस तरीके का काम कराना है, हम वही काम करके देंगे। 1000 मीटर के हम और भी बना रहे हैं, जैसे कि E459 है, E346 है, तो काफ़ी प्लॉट बना रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ बनाया जा रहा है इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये मटेरियल आपने इसमें ऐसा यूज किया, देखिए जैसा हमें बताया जाएगा प्लॉट ओनर के द्वारा, जैसा हमारा एग्रीमेंट होगा, जैसा काम वो करने के लिए कहेंगे वही काम हम करके देंगे। एक सामने ये आप देख सकते हैं, इसके बाद आप आगे चलेंगे तो एक रूम आपको इधर देखने के लिए मिलेगा, एक रूम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और एक रूम इधर की साइड, ये सामने आपको किचन देखने के लिए मिलेगी जिसकी गोलाई का काम चल रहा है। एक साइड में यहाँ पे आपको इसी रूम के साथ एक वॉशरूम इधर भी देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। ये आपकी ओपन किचन हो गई, किचन में से ही पीछे जाने के लिए गेट है, ये पीछे की बाउंड्री बिल्कुल इसको प्रॉपर सभी को पक्का कराया जाएगा जो कि कहीं भी पानी ना भरे, घास ना उगे, किसी तरह की समस्या ना आए फ्यूचर में। प्लास्टर की भी आप क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टर, चिनाई, हाइट, लेंटर की, ये सभी चीजें हैं जिनका पूरा इसमें ध्यान रखा गया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ काम इसमें किया जा रहा है। अगर इस तरीके का बेहतरीन मजबूत काम आप कराना चाहते हैं, आपका किसी भी साइज का प्लॉट है, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000, 2000, 4000 मीटर का, और आप अच्छा काम कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा आप कहेंगे कि हमें इस तरीके से कराना है, विद पिलर कराना है, विदाउट पिलर कराना है, लेंटर की ये हाइट रखवानी है, इस तरीके से रूम्स रखने हैं, इस तरीके से वॉशरूम, किचन इस तरीके से रखनी है, वो सभी काम करके दिए जाएंगे।
तो आप देख सकते हैं चारों तरफ 6-6 फुट की हाइट की बाउंड्री है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बाउंड्री आपको देखने के लिए मिलेगी। मोस्टली 5 फीट की होती है, उनकी डिमांड थी कि हमें 6 फीट की चाहिए तो 6 फीट की ही हाइट रखी गई है। आप अगर रजिस्टर्ड प्लॉट है आपका, आप पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं अपने किसी भी साइज के प्लॉट पे, जो भी आपका प्लॉट है यहाँ पे, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हमारा ऑफिस का एड्रेस रहेगा 35 ग्राउंड फ्लोर, SNG प्लाजा, अंचल गोल्फलिंग 1, नियर नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन, ग्रेटर नोएडा। पास में ही आपको यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी का दफ्तर भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। सभी काम हमारे द्वारा कराए जाएंगे, जैसे कि मैप पास कराना, कंस्ट्रक्शन करना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको देना। आपको कहीं भी अथॉरिटी के बार बार चक्कर लगाने के, आने की जाने की कोई कहीं जरूरत नहीं है। आपको खाली हमें डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट देनी है, बाकी सब काम हमारे द्वारा कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों के रजिस्टर्ड प्लॉट हैं, वो कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।